अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू नज़ा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला का शुक्र है हम सब भी बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला आप सबको हमें सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, सबकी परेशानियां दूर करे, आमीन। तो जी शुरू करते हैं आज की वीडियो, और उससे पहले जी जो चैनल पर न्यू है जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, और जो पीछे जो नॉइज़ होता है काइंडली उसको भी इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि जो वेंडर्स आते हैं गलियों में तो फिर उनकी तो आवाज़ें आनी ही लाजमी होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिएक्शन, और आज का रिएक्शन होगा मैडम जी पर। और मैडम जी और जी सर जी ने मिलके घर में ही एक स्कूल खोल लिया, क्योंकि घर में वो मैडम जी कह रहे होते हैं और जो मैडम जी हैं वो सर जी कह रही होती हैं। तो आज से जावेद भाई साहब का नाम जो है सर जी रख लेते हैं, और जो मैडम जी तो शुरू से मैडम जी हैं। तो घर में जी उन्होंने एक स्कूल खोल लिया, और स्कूल से याद आया मुझे, स्कूल से भी ज़्यादा उनका कमरा मुझे एक मतंजन की प्लेट लगता है, क्योंकि जब भी उनका जो है ना कमरा देखती हूँ तो उसमें कोई हज़ारा कलर मुझे नज़र आ जाते हैं, कहीं ब्लू, कहीं पर्पल, कहीं ऑरेंज, और कहीं कुछ और कुछ। मैं तो आज भी अपनी बेटी से हंस रही थी, मैंने कहा इनका कमरा तो मुझे कमरा कम और मतंजन ज़्यादा लग रहा है, उसमें इतने ज़्यादा कलर थे। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इनको कमेंट्स भी किए थे कि कम से कम एक या दो कलर्स में रूम को रखते हैं वही डिसेंट लगता है, और जो अन्य वाह ऐसे कलर्स लगा देते हैं तो वो फिर वाकई अच्छा नहीं लगता, बल्कि इतना पैसा लगाने के बावजूद भी वो बुरा ही लगता है। तो जी बात करते हैं मैडम जी की जो है रात की वीडियो, और मैडम जी बहुत ज़्यादा दुखी हैं, जिस चीज़ का डर था वही हो गया मैडम के साथ। तो शायद मैडम को पहले ही पता था कि उनका मोबाइल चोरी हो जाना, तो उसको इसी चीज़ का डर था और उनका डर जो है पूरा हो गया। तो पहले तो मैंने जब वीडियो ऑन किया बल्कि थंबनेल जब देखा तो मैंने कहा लो जी फिर बच्चों का कोई कट्टा खुल गया, मैडम जी जो है कह रही थी पेशी है तो शायद वो बच्चों की पेशी आ गया या कोई फैसला हो गया तो मैडम जी रो रही हैं। तो जब जी वीडियो खोल कर देखा तो अंदर मामला ही कुछ और था, अंदर मामला ये था कि जी मैडम जी के कमरे में आए हैं कुछ चोर, और चोर उनका ले गए हैं मोबाइल, और जी ये रोकती भी नहीं है तो वो रुके नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि इनको अपना अगर ऐसा हुआ भी है तो कमरा बंद करके जाना चाहिए, और अगर दूसरी बात अगर ये कमरा बंद भी नहीं करके गए तो पूरे घर में कोई ना कोई तो लोग होते ही हैं ना, जो अम्मी चलो इनकी नमाज़ पढ़ रही थी और साबरा मैडम जो है वाशरूम में गई हुई थी, तो सर जी कहाँ पे थे, शायद सर जी चलो वो भी बाहर गए होंगे, घर में कोई तो बंदा होगा ना, कि ऐसे कोई मांगने वाला घर में घुस के और मोबाइल भी चोरी करके ले गया, अगर ले गया तो उन्होंने भी गलत किया, नहीं लेके जाना चाहिए। 100 बंदे की पर्सनल चीज़ें होती हैं मोबाइल में, कोई कॉन्टैक्ट्स होते हैं, कोई तस्वीरें होती हैं, मोबाइल का इतना इशू नहीं होता, जो उसमें चीज़ें होती हैं जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं जो तस्वीरें होती हैं उसका बंदे को ज़्यादा दुख होता है। तो मैडम जी को भी अपने बच्चों की तस्वीरों का दुख हो रहा था, क्योंकि मैडम जी को बच्चों का दुख नहीं होता, उनको सिर्फ उनकी तस्वीरें ना देखने का दुख हुआ है। और जी मैडम जी की और भाई साहब उर्फ सर जी का मैंने जी एक और वीडियो देखा है, तो भाई साहब उर्फ सर जी ने उनको काफ़ी ज़्यादा इग्नोर किया, और मैडम जी काफ़ी ज़्यादा आग भगोला बनी हुई थी, और बार बार कभी तकिया उठा के मारे थे, जब तकिया उठा के मारा और जो रिएक्शन था भाई साहब उर्फ सर जी का, तो इतनी ज़्यादा मुझे हंसी आई है ना उनका जो है रिएक्शन देख कर, तो ये बहुत ही ज़्यादा ओवर किस्म का रिएक्शन था, क्योंकि नेचुरली बंदा इतना ज़्यादा ओवर एक्टिंग नहीं करता जैसा कि उन्होंने एक्टिंग की है। तो इससे साफ पता चलता है कि ये सारा कुछ जो होता है ना इनका स्क्रिप्टेड होता है, स्क्रिप्ट करते हैं पहले फिर ये उस पर वीडियो बनाते हैं, और बच्चों को ये करने बैठ जाते हैं मेकअप, और बच्चों की स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है ना कि बच्चों को ये बेसे भी लगाना शुरू हो जाते हैं, और बच्चों को ये फेयर एंड लवली क्रीम भी लगाना शुरू हो जाती है, ये इतनी हैवी क्रीम्स होती हैं ना कि बच्चों की स्किन को ये ना डैमेज कर देती हैं। और इनकी मैंने एक और वीडियो देखी थी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बेटी ने जो है पहला रोज़ा रखा, अपनी बेटी बेचारी किधर है, रोज़े रख रही है नहीं रख रही, अच्छा खाने को मिल रहा है नहीं मिल रहा, वो तो लहदा बात है कि वो अच्छा अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है, लेकिन इस औरत को अपनी औलाद का कोई ख्याल नहीं है, अब दूसरों में से जो अपने बच्चे ढूंढती फिर रही है, तो यही उधर रह के इज्जत से तो अपने बच्चों के पास रह लेती और उनका ख्याल रखती है, अब रोती है कि मेरे बच्चे कभी किसी को मेरी बेटी तो कभी किसी को मेरी बेटी, जो अपनी औलाद होती है ना वो अपनी ही होती है। तो बल्कि ये मुझे लग रहा है ये इधर रह के ज़्यादा खुश है, जैसा कि जी सोनिया और वसीम भाई जो है न्यूली मैरिड कपल हैं जो इन्जॉय कर रहे हैं कहीं जाना आना खाना पीना, तो ये भी थोड़ा सा सेम वैसे करने की कोशिश कर रहे हैं। और काफ़ी लोग तो ये भी कहते हैं कि जी जो है मैडम जी है जो सोनिया से जेलस होती है, और जैसे वो करती है और नेक्स्ट वीडियो में मैडम जी भी आए बिल्कुल वैसा सेम करने की कोशिश करती हैं, तो बाकी अल्लाह ताला की ज़्यादा बेहतर जानती है कि मैडम जी जेलस होती हैं कि लोगों को ऐसा फील होता है। तो यही था मेरा आज का छोटा सा रिएक्शन, छोटी सी वीडियो,
उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को जी जल्दी से आप कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। और जी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।